हमारे भी बॉडी को वैसी गुड़िया की तरह पेट्रोल डालकर जला देंगे क्या? तो हमारा भी यह वादा है कि हम बैठ गए हैं यहाँ पर और जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक दम नहीं लेंगे। हाथ जोड़कर गिरकर आपके चरणों पर गिरकर आप जितना छुपा लीजिए सच जमीन फाड़ कर निकल आएगा। हम पहुंचेंगे उसके घर तक। और ये कोई एलओसी है क्या? आप पत्रकारों को नहीं रोक सकते। मुझे आप कैसे सर आप पूछे कैसे? नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। आप कैसे रोक सकते? अरे आप पत्रकारों को नहीं रोक सकते। आप पत्रकारों को नहीं रोक सकते। आप पत्रकारों को नहीं रोक सकते। नहीं हमें ड्यूटी पॉइंट है हमारा। सबसे बड़ी बात डीएम साहब आप कान खोलकर सुन लीजिए, भारत समाचार यहीं पर बैठा रहेगा लगातार यहाँ पर उस गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए बैठा रहेगा। आप जितना कोशिश कर ले, आप कहते हैं ना कि मीडिया आज है कल चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने मीडिया को बहुत हल्के में लिया है, शायद आपने मीडिया को समझा ही नहीं। तो हमारा भी यह वादा है कि हम बैठ गए हैं यहाँ पर और अब जब तक हम गुड़िया के घर में नहीं जाएंगे और जब तक हमको अंदर नहीं जाने देंगे। पानी खरीद चुके हैं, पानी पी पी करके इनको भी झिलवाते रहेंगे और जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक दम नहीं लेंगे। ऑर्डर भी नहीं दिखाना चाहते कि किसके ऑर्डर से यहाँ पर पत्रकारों को रोका जा रहा है। आखिर कौन है जिनको कहते हैं कि ये ऊपर जो हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कौन है? क्योंकि सरकार चाहती है कि निष्पक्षता से जांच हो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। हाथरस की पुलिस नहीं चाहती, हाथरस का प्रशासन नहीं चाहता, एसडीएम साहब नहीं चाहते, प्रेम प्रकाश मीणा जी, प्रवीण कुमार नहीं चाहते, डीएम साहब कोई नहीं चाहता। हाथरस की पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो इस बात पर जुट गई है, मीडिया वर्सेस पुलिस चल रहा है यहाँ पर। गुड़िया से किसी को, इन लोगों को तो कोई भी हमदर्दी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये तो उनको पूरी तरीके से कैद कर चुके हैं। परिवार वाले भी मीडिया से बात करना चाहते हैं, उनको बात नहीं करने दे रहे। वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, उनको बात नहीं करने दे रहे। वो कहते रहे लगातार कि हमारी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, उन्होंने माना नहीं, अभी तक नहीं मान रहे। वो कहते रहे कि हमारी बेटी को लगा रात को जला दिया गया, वो भी नहीं मान रहे। वो कह रहे परिवार वालों के साथ जलाया। तो लगातार झूठ सामने आए हैं भाई, लगातार शिवांगी, एक भी सच नहीं है शिवांगी। ये पूरी की पूरी पूरा ढोंग है, पूरी नौटंकी चल रही है यहाँ पर। देखिए मुझे चोट आई थी सुबह शिवांगी, जो इन लोगों ने ढकेला था मुझे, जो पुलिस वाले मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहे, सच सामने नहीं आने दे। लेकिन हमारी भी मुहिम है कि हम लगातार सच सामने आने की कोशिश करेंगे। आप हटिए, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते, मैं अंदर जाऊंगी। आप हाथ नहीं, आप हाथ लगा सकती है। अभी मेरे सामने से पुलिस की गाड़ी निकली है, इसका मतलब कि वो हमें, उन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ पर हैं शिवांगी, और अब वो यहाँ से घूमते हुए आकर के हमें रोकेंगे और या फिर अपने गुंडों को भेजेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। आप जितना छुपा लीजिए सच जमीन फाड़ कर निकल आएगा, जो सच है यहाँ का वो जमीन फाड़ कर निकल आएगा शिवांगी। बैरिकेडिंग से सच नहीं छुपने वाला। हम पहुंचेंगे उसके घर तक। जो सच के लिए लड़ते हैं उनको कहीं पर झुकना नहीं पड़ता शिवांगी, उनको रुकना नहीं पड़ता, रास्ते मिल जाते हैं। हाथरस के डीएम हमारे लिए जितनी मुश्किलें खड़ी कर ले, डीएम साहब प्रवीण कुमार जी आप जितनी मुश्किलें खड़ी कर लीजिए। निकलिए यहाँ से, तुरंत निकलिए यहाँ से, सड़क तक निकलना होगा यहाँ से, जल्दी चलिए जल्दी। पुलिस लाइव, वो पुलिस आई, पक्का पुलिस है। हमारे पास तो कोई लाठी डंडा भी नहीं है, आपके पास तो बंदूक है। पीछे दिखाइए जितेंद्र जी, पीछे दिखाइए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो बंदूक है। इधर देखिए, आपके पास तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। आप लोग जाइए सर, हम जाएंगे। क्या सर हमारी भी बॉडी को वैसी गुड़िया की तरह पेट्रोल डालकर जला देंगे क्या? बताइए सर, मैं भी किसी की बेटी हूँ।
हूँ, मुझे भी जला देंगे क्या सर? ऐसे ही पता भी नहीं चल पाएगा हाथरस में क्या हो गया, रातों रात पुलिस वालों ने बॉडी जला दी एक पत्रकार की, यही कर देंगे क्या सर? सर सेफ नहीं सर, चाहे पतली मेड़ो चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैम आप ऐसे मत करिए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे मैम, प्लीज हम बहुत मुश्किल से यहाँ बैठे, गंदा है। कोई बात नहीं मैम, गंदा होने दीजिए, आप होने दीजिए, गंदा होने दीजिए। इस वक्त अच्छे में जो हो रहा है, पुलिस प्रशासन जो कर रहा है उससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं होगा। मैम मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैम मैम नहीं जा सकती, मैम मैं नहीं यहीं बैठूंगी, मैम ना मैं खुद जाऊंगी ना आपको जाने दूंगी, जाऊंगी तो उस घर जाऊंगी, या तो आप जाइए मैम, मैं यहीं बैठूंगी और जब आप चले जाएंगे तब मैं जाऊंगी। मैम आप यहाँ पर ही बात करिए, मुझे पता है आप बहाना करिए मैम, तीन दिन से आप मिलने नहीं दे रही, आप बहाना करिए मैम, हम नहीं जा सकते, आप मैं नहीं जा सकती मैम, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ, इस तरीके से नहीं चल पाया मैम, हमें रोकने की हर कोशिश की जा रही है मैम, हर कोशिश कर चुके हैं आप लोग, आप निकल जाइए मैं आपको रास्ते देती हूँ, आप निकलिए, आप निकल जाइए, आप मदद नहीं करिए मैम, आप मदद नहीं करिए, आप निकल जाइए मैम, प्लीज प्लीज परिवार को मीडिया की जरूरत है, चलिए चलिए परिवार को जरूरत है, चलिए चलिए जरूरत है, हाँ बात करते हैं, हम आप चले, आप मुझे मिल दीजिए एक बार, मिल लीजिए अर्चना सिंह जी, अर्चना सिंह जी एक बार मिल दीजिए, चलिए सर क्यों कर रहे हैं आप, अब यहाँ से नहीं आगे बढ़ने जाऊंगी मैम, नहीं नहीं मैम बस, नहीं मैम बस, आप हमें बाहर निकाल रही हैं मैम, इतना नहीं मैम, ना 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 मैम नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप कुछ भी कर ले, अब नहीं जाऊंगी मैं ऐसे मैम, आप कुछ भी कर ले, मैं नहीं जाऊंगी मैम यहाँ से, जितेंद्र जी कैमरा मत बंद करिएगा, आप, मैं आपको बता रही हूँ कैमरा चलते रहने दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैम, आज मैं चाहे जैसे पहुँचूँ मैम, मैं यहीं बैठी रहूंगी और यहीं से जाऊंगी, सर बताइए सर क्या क्या हो रहा है सर, कुछ भी कर ले, मैं वहाँ पर बाकियों की तरह वहाँ पर नहीं खड़े होने जाऊंगी, मुझे बेवकूफ नहीं बनना है मैम, मैम अगर आप लोगों को मेरी रिपोर्ट से प्रॉब्लम है मैडम, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी मैम, कुछ नहीं पूछूंगी, आप मुझे दूर से देख लेने दीजिए, ठीक करो अपनी, ठीक है मैम आप अपनी ड्यूटी करिए, मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, मेरा मैं उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जाऊंगी, चाहे मैम आप लोग कुछ भी कर लीजिए, आप पुलिस को बुला लीजिए, आप लाठी चला लीजिए, आप कुछ भी करिए, आपके पास लाठी है, आपके पास हेलमेट है, आपके पास बॉडी प्रोटेक्टर है, लेकिन हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए, सर आप कहते हैं ना कि आप सर एडीएम साहब, सर आप कहते हैं ना यहाँ का प्रशासन कह रहा है, हाँ आपको लग रहा है कि जाएंगे, जाऊंगी आप चिंता मत करिए, जाऊंगी नहीं, एडीएम साहब आप कहते हैं कि तथ्यों को मोड़ा जा रहा है, मैं निष्पक्षता से पूछ रही हूँ, अगर आप सही हैं, निष्पक्ष हैं, तो क्यों नहीं मिलने दे रहे सर? कोई लड़ाई नहीं सर, हाथ जोड़कर गिरकर आपके चरणों पर गिरकर, आपके चरणों में गिरकर, आप महिला हैं, आपका हाथ सर, महिलाओं का सम्मान क्या किया जा रहा है सर, पत्रकारों को पुलिस घेर कर खड़ी, मैं खुद 8-8, 10-10, 12-12, 20-20, 50-50, 100-100 पुलिस वाले घेर कर खड़े, जैसे हमने कोई क्राइम क्यों नहीं, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्लीज, उधर सभी लोग हैं सर, सभी लोग से मतलब नहीं है सर, हम उन सभी लोगों की भीड़ से यहाँ तक निकल के आए, नहीं मैम, अरे मैम नहीं, आप हमें समझ नहीं रही है की हमको वहाँ तक जाना है, सो प्लीज मैम, प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, I'm doing my duty. I have to go there. Please, I'm requesting you, begging you. I'm also requesting you, ma'am. Please. No, ma'am. I can't go. Please let me go, ma'am. मैं पानी नहीं पीऊँ, मैम मेरी भी आपसे कोई लड़ाई, पानी नहीं पीऊँगी मैम, मैं पानी नहीं पीऊँगी मैम, आप पानी पिला करके मुझे यहाँ से भेजना चाहती है, मैं पानी पी कर आई हूँ मैम, कोई बात नहीं, हम आपको बिल्कुल जाने देंगे, हम खुद लेकर के चलेंगे, मैम परमिशन तो तीन दिन से नहीं मिल रही है, प्लीज ट्राई करिए, इस बात पे नहीं आऊंगी, आपके झांसे में नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी मैम, बाकी आ जाएंगे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अगर आपको लग रहा है कि सर ये लीजिए सर, अगर आपको लग रहा है कि हम आपसे लड़ रहे हैं तो आपसे लड़ नहीं रहे, मीडिया तो आपको फूल दे रही है, अपना पानी है, मैं पुलिस वालों का पानी तक नहीं पीऊंगी, मुझे भरोसा नहीं यहाँ पर, झूठ नहीं बोल रही, नहीं भरोसा है मुझे यहाँ पर किसी पर, आप लोग वही करेंगे ना कि उन लोगों को बुला करके देंगे कि मारो पीटो भगाओ, यही करेंगे सर, जाऊंगी नहीं पर यहाँ से, मैडम खड़ी है ये हमें अंदर जाने नहीं दे रही है, कह रही है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमारी ड्यूटी हम जाने नहीं देंगे, अरे भाई क्यों नहीं जाने देंगी, हम क्या कर लेंगे भाई, हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई गन लेकर जाने रहे, जो सीमा पार करते हैं उनको तो अब बड़े आसानी से जाने देते हैं, चले जान देते हैं, बाद में पता चलता है कि सीमा पार गया कोई, पार कर गया कोई आतंकवादी, यहाँ हम पत्रकार हैं, यहाँ आप हमें नहीं जाने दे रहे क्यों, और हम गुस्सा भी ना करें, अगर हम आपसे सवाल करें तो आप कहते हैं कि आप अग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत मुश्किल से निकल पाए यहाँ तक मैडम, बहुत मुश्किल से निकल पाए मैडम यहाँ तक, बहुत ज्यादा मुश्किल से निकल पाए मैडम, क्या समझाना चाह रही हैं आप समझ नहीं मैडम, नहीं जाऊंगी मैडम, मैं आप मेरी बहन हो मैडम, आप जाने दीजिए बस, नहीं नहीं मैडम नहीं,
आप जबरदस्ती नहीं, आप जबरदस्ती नहीं, हाँ तो आप जो आप हम आपको आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी आपसे मैडम, मेरे अंदर ताकत नहीं है, हम चला के आप हम आपको पकड़ के चल रहे हैं, चलिए आइए, नहीं मैडम आप मैडम आइए वहाँ बैठ लेंगे छाया में, आइए आइए आपके लिए कुछ खाने को, नहीं नहीं कुछ खाने को नहीं चाहिए, बहुत खा लिया गालियाँ खाई है, गालियाँ हाथरस पुलिस से प्रशासन से गालियाँ खाई है हमने, चाहती हूँ कि एक बार बताएं कि मैं देखिए हमारे यहाँ पर लगातार मुहिम के बाद शायद हमें जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के प्रशासन ने पीड़ित परिवार तक जाने की इजाजत दे दी है, 3 दिन की लगातार मुहिम के बाद सत्याग्रह के बाद हम जो यहाँ पर कर रहे थे उसके बाद इजाजत शायद मिल गई है परिवार से मिलने की, इस बार हम मेन रास्ते की तरफ जा रहे हैं, जितेंद्र जी आगे जल्दी आइए, हमारी इतनी मेहनत देख लीजिए, मेरी हालत देखिए आप, दिखाइए ये हालत, ये सब जो हुआ है ये सब इस सब का फल होगा अगर वहां तक पहुंच गए तो, हमारी वो अगर आपने वहां तक जाने दिया, मैं हाथ जोड़कर आपसे आपको प्रार्थना करी अगर परिवार तक जाने को आपने दिया, ये मेरी बहुत बड़ी जीत, जाने दे रही है तो बहुत बड़ी जीत है, चलिए जल्दी चलिए जल्दी जल्दी आइए जल्दी, हमें जल्दी पहुंचना होगा, जल्दी आइए, उसकी जीत मिली है, उसकी जीत हुई और अब हम अंदर जा सकते हैं, मेरे परिवार से मिल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, गलियों से मेढ़ों से नालियों से खेतों से जिस तरह से गुजरते हैं वहां पर हम बैठे हुए थे सत्याग्रह कर रहे थे, ये उसकी जीत है, अब हम परिवार से मिल सकते हैं, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको जाने की इजाजत दी है, जल्दी चलिए जल्दी जल्दी चलिए, घर का है चलो यहीं से पहुंच गए उस घर तक, अब तो हम उनसे बात करके रहेंगे, आप चाहे जितना रोक ले, आप चाहे जितने पहरे लगा लो, लेकिन सच जमीन फाड़ कर निकलेगा, भारत समाचार बार बार कहता है, एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी है जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब की जो लगातार हमें रोक रहे थे, आज आपके सारे सच जो है वो सामने आ जाएंगे, अब जिस तरह से परिवार वालों को डरा रहे थे धमका रहे थे वो सारी सच्चाई सामने खुलेगी, देखिए ये उस गुड़िया का घर है, ये उस गुड़िया घर है, देख लीजिए पुलिस कैसे यहाँ पर चाक चौबंद है, चारों तरफ दिखाइए, देखिए पूरी तरफ चाक चौबंद है, किस तरह से पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस तरह से पुलिस वाले मौजूद है जैसे कि यही कि इन्हीं लोगों ने कोई क्राइम किया, हम उनके घर तक पहुँच गए हैं, हम उनके घर तक पहुँच गए जहाँ से हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, हम उस हमारी जीत है हमारी मुहिम की जो हम यहाँ तक पहुँच पाए, उनके घर तक जा रहे हैं, सामने से हटिए, क्या सर हमारी भी बॉडी को वैसे गुड़िया की तरह पेट्रोल डालकर जला देंगे क्या? तो हमारा भी ये वादा है कि हम बैठ गए हैं यहाँ पर और जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक दम नहीं लेंगे, हाथ जोड़कर गिर कर आपके चरणों पर गिर कर आप जितना छुपा लीजिए सच जमीन फाड़ कर निकल आएगा,